हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ऑलरेडी आज हम लोग जो बात करेंगे वो होगी क्लॉडिकेशन के हवाले से, पेरिफेरल आर्टरीज क्लॉडिकेशन। अब उसमें बेसिकली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, भले वो नौजवान हैं या वो बुजुर्ग हजरात हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि या तो हम लोग ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर जब चलते हैं तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या हम लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो हमारे दर्द होता है। स्पेशली हमारे जो ग्रुप ऑफ ये मसल्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो फिर सुकून की हालत में आ सकते हैं। इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन भी कहते हैं, पेरिफेरल आर्टरी क्लॉडिकेशन भी कहते हैं। सो यहाँ पे कुछ जो पॉस्चर्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि उसको अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। इसी तरह से और वीडियो भी वेरिकॉस वेन जो हमारी हो जाती है उस हवाले से, या फिर इचिंग इन द लेग जो हर वक्त तो टांगों में बेचैनी सी रहती है, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल योगा विद THB पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दो चार इस तरह के पॉस्चर बनाता हूँ, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने दोनों टांगों को आपने इस तरीके से बिल्कुल में आप आ जाएं। सो इस पोजिशन में जब आप उसको स्ट्रेट करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे आपने अपने बिल्कुल हिप बोन्स पे बैठना, बिल्कुल सीधा, इस तरीके से नहीं बैठना, बिल्कुल सीधा आपने बैठना ताकि ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ से आपने इनको बिल्कुल टाइट रखना है, आपने यहाँ पे इन काफ मसल्स को टाइट रखना है, यहाँ पे आपने इन अपनी थाइस को, और यहाँ पे इसने इनको आपने अपनी तरफ लेके आना है, जितना आप इनको मैक्सिमम लेके आ सकते हैं कि आपकी एड़ियाँ यहाँ से ज़मीन से उठ जाएं, इतना ज़्यादा आपने इसको स्ट्रेच करना है। ये आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और फिर आपने इसको इस तरीके से रिलैक्स करना है, जितना मैक्सिमम आप इसको रिलैक्स कर सकते हैं इसको रिलैक्स कीजिए। फिर इसको आपने इसी तरीके से उठाना है और फिर आपने मैक्सिमम इसको स्ट्रेच करना है। सो यहाँ पे आपने इसको कम से कम 5 से 10 दफ़ा और कम से कम 3 से 4 इसके आपने सेट्स करने हैं, 5 से 10 रेपिटेशन के साथ इस तरीके से। फिर इसको आपने इस तरीके से उठाते हुए यहाँ पे लेके आना है। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए इस तरीके से मुश्किल हो रहा है तो आप कोई भी बेल्ट ले सकते हैं या कोई भी एक इस तरह का कोई कपड़ा ले सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से ऐसे खींचिए, इसके ऊपर पाँव के ऊपर इस तरीके से रखते हुए। सो आपका ये पूरा ये वाला जो नर्व्स हैं यहाँ पे, जो आर्टरीज हैं, ये ब्लड के फ्लो को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, आप इसको मैक्सिमम अपनी तरफ इस तरीके से, और फिर इसको रिलैक्स कर दीजिए 2 से 4 सेकंड करने के बाद। फिर इसको इसी तरीके से उठाइए और इस तरीके से इसको अपनी तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच दीजिए। फिर इसको ऐसे उठाइए, और सेम यही वाला आप इसके साथ भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आप इसके कम अज़ कम 3 से 4 सेट्स कीजिए और 5 से 10 इसके रैप्स, यानी रेपिटेशन आपकी 5 से 10 दफ़ा होंगी और सेट्स आपके 3 से 4 दफ़ा होंगे या 2 से 3 दफ़ा होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे बैठते हुए अपने इस वाले टांग को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और इस वाले घुटने को आपने इस तरीके से बेंड कर लेना है इस पोजिशन में। यहाँ पे आपने इसी तरीके से ये आपको कपड़ा ले सकते हैं या बेल्ट ले सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, यहाँ से आपने इसको इस तरीके से होल्ड करना है और यहाँ पे आपने अपने आपको आगे की तरफ लेके आना है इस पोजीशन में। ठीक है, इस तरफ से भी मैं आपको करके दिखा दूं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इस तरीके से पकड़ते हुए इसको यहाँ पे बाहर लाते हुए इस पोजीशन में, अब आपके यहाँ पे जितने भी हैमस्ट्रिंग्स हैं या जितने यहाँ पे मसल्स हैं, जितनी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वहाँ पे ब्लड के जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लड का फ्लो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। ये देखिएगा, फिर अपने आपको जितना मैक्सिमम आप लेके आ सकते हैं इसको आपने ज़मीन पर ही रखना है, इसको आपने ऐसे नहीं उठाना, इसको आपने ज़मीन पर ही रखना है। सो 2 से 3 सेकेंड होल्ड कीजिए, 1 2 3, फिर 2 से 3 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर आपने आना है 1 2 3। ठीक है, सो इसको भी आपने, इसके भी आपने रेप्स कर लेने हैं, 3 से 4 रेप्स कीजिए और 5 से 10 सेट्स इसके कीजिए इस तरफ, और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी इसको इसी तरीके से परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, सो अपने दोनों पाँव को इस पोजिशन में लेके आइए। इस पोजिशन में लेके आते हुए सामने की तरफ आपने आना है, ऐसे जैसे रुकू की हालत में आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आइए रुकू की हालत में इस पोजीशन में, और यहाँ से अपने आप को और ज़्यादा बेंड कीजिए, और आपका जो बेंड होगा वो आपके यहाँ से होगा, आपके हिप जॉइंट से। यहाँ पे आप कोई भी नीचे कोई किताब रख सकते हैं या कुछ भी ऐसा रख सकते हैं जिसके ऊपर आपके हाथ आ जाए, अगर आपके हाथ ज़मीन पे नहीं आते तो वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए आप यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपकी जितने भी ये पूरी की पूरी यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए ताकि यहाँ पे ब्लड फ्लो कर सके अच्छे तरीके से। इस तरीके से अगर आप अपने हाथ रख सकते हैं फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो कोई भी चीज़ रख लीजिए, कोई किताब रख लीजिए, कोई भी ऐसा सपोर्ट रख लीजिए जिसमें आपने मैक्सिमम इनको फ्लो करवाना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कीजिए। उसके बाद आप इसको दीवार के सहारे के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी अगर दीवार है
तो दीवार में आपने क्या करना है कि इस तरीके से एक पांव को आपने यहां पे रखना है, एक टांग को, और दूसरी टांग को आपने मैक्सिमम पीछे ले जाना है, ठीक है। अब इसको आपने यहां से पुश करना है अपने आप को इस पोजीशन में। अब आपकी यहां पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा और यहां पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा। दोनों अपने घुटनों को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा और पुश कीजिएगा अपने आप को। अगर आप नीचे की तरफ पुश हो सकते हैं, नीचे की तरफ अगर दीवार को ऐसे पुश कर सकते हैं, फिर इसको चेंज कीजिए, सो इस पोजीशन में आइए। सो यहाँ पे आपके जितना भी ब्लड की ब्लॉकेजेस हैं ये सारा क्लियर होगा। यहाँ पे भी आपका जो ब्लॉकेजेस है ये भी क्लियर होगा। इसको भी आप 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करके रखिए, फिर अपनी चेंज कीजिएगा साइड को, फिर यहाँ पे साइड को चेंज कीजिएगा, और इस तरह से इसकी रेपिटेशन आप कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इसको चेयर पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चेयर पे बैठे हुए हैं, इस तरीके से आप चेयर पे बैठे हैं, आप चेयर यहाँ पे सपोज कीजिएगा चेयर है, एक टांग को यहाँ पे निकालिए और अपने आप को थोड़ा सा आगे की तरफ लाइए। इस टांग को मैक्सिमम स्ट्रेच देंगे ताकि यहाँ पे फ्लो आए। फिर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो इस टांग को आप इस तरीके से लाइए, और अगर आप हाथ रख सकते हैं नीचे तो हाथ रख लीजिए, वरना ऐसे थोड़ा सा आप इसको टांग को सीधा करेंगे आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जितने भी आपकी ब्लॉकेजेस होंगी वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। इसके भी आप कम से कम 2 से 3 सेट्स कीजिए और 5 से 6 रेपिटेशन के साथ कीजिए। सो आप देखिएगा कि आपकी जो टांगों में ये प्रॉब्लम है क्लॉडिकेशन के हवाले से, ये रिमूव होना शुरू हो जाएगी। सो ये 3 से 4 ऐसे पॉस्चर्स हैं जिनको आप परफॉर्म करते हो डेली बेसिस पे, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, तो आप देखिएगा कि आपकी जो क्लॉडिकेशन है, जो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको करती है, जो पेन रहता है आपको, वो आपका ठीक होना शुरू हो जाए। एक और बहुत ज़्यादा, अगर आप वॉक ही करते हैं, सो एक वॉक हम लोग करते हैं फॉरवर्ड, इस तरीके से हम लोग वॉक करते हैं। अब से आप अपनी वॉक में इस तरीके से भी शुरू कर लें, अच्छी तरीके से बैलेंस करते हुए, पीछे देखिए कोई खतरनाक चीज़ ना हो जिससे आपको गिरने का हो। सो आप इनको इस तरीके से भी परफॉर्म कीजिए। कोई ऐसी जगह छोटी सी आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट के लिए बैक फोर्थ बैकवर्ड वॉक कीजिए। यहाँ से आपके जितने भी ये मसल्स हैं, लिगमेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको फ़र्क आना महसूस शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह की और बहुत ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए, चाहे वो वेरिकॉस पे है, चाहे वो प्रॉब्लमेटिक जो लेग्स सिंड्रोम है उसके हवाले से है, या फिर क्लॉडिकेशन के हवाले से है, या और बहुत ज़्यादा वीडियो वेट लॉस के हवाले से या पेन मैनेजमेंट के हवाले से देखने के लिए, यूट्यूब चैनल योगा वी THB को सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कीजिए हमें यहाँ पे। और ऑनलाइन सेशन लेने के लिए भी हमें आप इन नंबर्स पे या फिर प्रोफाइल में हमारे नंबर्स हैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आप लोगों से खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगी। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे लोगों तक ये जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके छोटे से क्लिक से बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।